गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा आज हम ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है वो हमने स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि ये आप इजीली समझ पाएंगे, तो उसको बाद में करेंगे। अब ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या। विश्व जनसंख्या चैप्टर में हम स्टडी करेंगे उसके वितरण की, यानी कि जनसंख्या कहाँ कहाँ फैली हुई है और उसका घनत्व, घनत्व क्या होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और किस एरिया में कितना घनत्व है और फिर इसकी वृद्धि क्या है, कैसे होती है, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, उन सभी बातों पे हम चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर में आता है बेटा जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि एक वर्ग किलोमीटर में कुल जनसंख्या कितनी है, ये एरिया है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्लासरूम में बैठे हैं और कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तो जो क्लासरूम का एरिया होता है वो कम होता है, वहां पे बच्चे ज्यादा होते हैं, तो उसमें जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है, यानी कि कम एरिया और जनसंख्या ज्यादा, वो जनसंख्या घनत्व अधिक जनसंख्या घनत्व हो जाता है। उसके बाद में प्लेग्राउंड में खेलते हुए बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादा एरिया होता है और कम बच्चे होते हैं, तो वो कम घनत्व हो जाता है। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जिसमें जनसंख्या की गिनती, जनसंख्या को गिना जाता है या कितनी जनसंख्या है उस आधार पर उसी को जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। कहीं पर ये ज्यादा है, कहीं पर कम है। हमारे भारत देश में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, और वैसे जनसंख्या को अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे ज्यादा है, बट जनसंख्या का घनत्व तो वहां वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से कम है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा है, और यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया है। ओके, इस प्रकार से हम कह सकते हैं जनसंख्या का घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर जो जनसंख्या होती है, लोगों की संख्या होती है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। विश्व की जनसंख्या कैसे वृद्धि होती है या किस किस एरिया में कितनी जनसंख्या है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। विश्व की जनसंख्या 20वीं शताब्दी यानी कि एक शताब्दी पहले, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, उस टाइम पे 1.6 अरब जनसंख्या थी पूरे वर्ल्ड में, और हर शताब्दी के बाद में ये 4 गुना वृद्धि हो जाती है, 4 गुना बढ़ जाती है जनसंख्या, बहुत स्पीड से बढ़ती है। इसके अंदर जनसंख्या की वृद्धि दर है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, बट वैसे जनसंख्या का जो घनत्व है उस एरिया को मैं शो कर रही हूं, ये हमारा एशिया महाद्वीप का बेटा है। आप अपना उसमें मैप में देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप का पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया और यूरोप, अमेरिका, इस एरिया में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज्यादा है। ये दक्षिण एशिया में हमारा भारत और चीन आता है, चीन में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा जनसंख्या है और दूसरे नंबर पे भारत की है। अब आप देखिए चीन का एरिया कितना है और भारत का एरिया छोटा है, बट फिर भी हमसे ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा एरिया का भी देश है, जैसे ये हो गया हमारे पास रसिया, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ये हमसे ज्यादा है, एरिया में ज्यादा है, बट उसके बाद में जनसंख्या हमारे पास ज्यादा है, यानी कि एशिया महाद्वीप का दक्षिण हिस्सा है, तो इस हिस्से में एशिया महाद्वीप के पूर्व हिस्से में यूरोप का और अमेरिका का, इस एरिया में जनसंख्या का वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। वैसे वृद्धि अभी हो रही है वो अफ्रीका में हो रही है, क्योंकि वहां साक्षरता दर कम है, अनपढ़ता ज्यादा है, अज्ञानता ज्यादा है। इससे आगे हमारे पास आता है बेटा ये कायिक घनत्व। घनत्व तो हमने देख लिया, अब आता है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व क्या होता है? कुल जनसंख्या के अनुपात में, कुल जनसंख्या का अनुपात में कृषि क्षेत्र का अनुपात होता है,
क्षेत्र का अनुपात होता है उसको काई घनत्व बोलते हैं। ओके, एक अंकगणितीय घनत्व होता है। अभी हम घनत्व के बारे में बात कर रहे थे, तो ये घनत्व के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा, काई घनत्व और अंकगणितीय घनत्व। घनत्व क्या होता है वो हमने स्टडी कर लिया, इसके दो पार्ट, काई घनत्व हमने पढ़ लिया, कुल जनसंख्या अनुपात में कृषि क्षेत्र का अनुपात काई घनत्व होता है। अंकगणितीय घनत्व, अंकगणितीय घनत्व का मतलब होता है कि कुल जनसंख्या और उस देश का कुल क्षेत्र, कुल जनसंख्या और उसका अनुपात, कुल उसका क्षेत्र है वो, इन दोनों का जो अनुपात है वो अंकगणितीय घनत्व होता है। ये तो कुल क्षेत्र है पर्टिकुलर उसके पास है वो, और ये कृषि क्षेत्र है जिसके ऊपर कृषि की जाती है, उसका और जनसंख्या का अनुपात जब निकालते हैं तो वो काई घनत्व होता है। कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्र का जब अनुपात दिखाते हैं तो वो अंकगणितीय घनत्व होता है। इट्स ओके, आगे हमारे पास आता है बेटा जनसंख्या वृद्धि दर। दो टाइप के होते हैं, जनसंख्या वृद्धि दो तरह से होती है, एक ऋणात्मक वृद्धि दर होती है। वृद्धि दर दो प्रकार की होती है बेटा, ऋणात्मक और धनात्मक वृद्धि दर क्या होती है और ऋणात्मक क्या होती है वो सुनिए। धनात्मक जनसंख्या वृद्धि में जनसंख्या का इंक्रीज होना होता है, जनसंख्या बढ़ जाती है, यानी कि जन्म दर और जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर इसमें कम होती है। जैसे हमारे गांव की जनसंख्या बढ़ रही है वो धनात्मक में है, 10 साल के बाद में जब जनगणना होती है तो हर बार हमारे पास जनसंख्या बढ़ी हुई मिलती है, उसका सीधा सा कारण है जन्म दर ज्यादा और मृत्यु दर कम, जिसमें जनसंख्या का घनत्व वृद्धि दर होता है। ऋणात्मक वृद्धि दर क्या होती है, जिसमें जन्म दर कम और मृत्यु दर ज्यादा, यानी कि मरने वालों की संख्या ज्यादा हो जाती है और जन्म लेने वालों की संख्या कम हो जाती है, उसमें जनसंख्या ज्यादा नहीं होती बल्कि वो घट जाती है, इसको ऋणात्मक वृद्धि दर बोलेंगे। इट्स ओके, यूरोप के कई जो फॉरवर्ड कंट्री है, जो एडवांस कंट्री है, उस कंट्री में यहां ऋणात्मक वृद्धि दर होती है, और हमारे एशिया जैसे कंट्री है लाइक चाइना है, इंडिया है, इस कंट्री में जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको धनात्मक वृद्धि दर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे बेटा जनसंख्या के घटक कैसे बढ़ती है, वो तीन टाइप से बढ़ती है, जन्म दर से बढ़ती है, दूसरा मृत्यु दर से बढ़ती है, और तीसरा कारण होता है बेटा प्रवास। ये जन्म दर और मृत्यु दर इनको प्राकृतिक कारक भी बोल सकते हैं, यानी कि ये प्रकृति के कारण किसी का जन्म होता है और मृत्यु हो जाती है, ये प्राकृतिक कारक होता है, और प्रवास ऐच्छिक कारक होता है। ऐच्छिक इट मीन्स अपनी इच्छा से होता है। ओके, जब जनसंख्या जन्म दर ज्यादा होती है जनसंख्या वृद्धि होती है, मृत्यु दर ज्यादा होती कम होती है, जन्म दर जब ज्यादा हो जाती है यानी कि जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा हो गई, जन्म दर ज्यादा हो गई, मृत्यु दर जिसमें कम हो गई उसमें जनसंख्या वृद्धि हो गई। प्रवास कैसे होता है, प्रवास होता है एक जगह से, प्रवास होता है क्या है, स्थान बदल करके रहना। प्रवास क्या होता है, स्थान बदल करके रहना, स्थान बदल कर रहना प्रवास कहलाता है, बदलना ये क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग प्रवास कर रहे हैं,
और दूसरी जगह जा रहे हैं, उसने वहां शहरों में जनसंख्या बढ़ जाती है, तो वो बढ़ने का कारण क्या हुआ, प्रवास होती है, तो वो प्रवास जनसंख्या वृद्धि दर होगी। ये हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, ये प्राकृतिक कारक होता है। तो जनसंख्या बढ़ने के घटक हमारे पास तीन है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब आगे हमारे पास जो प्रवास आता है, ये प्रवास भी दो टाइप के होते हैं, उत्प्रवास और अप्रवास। फर्स्ट कौन सा होता है, उत्प्रवास, और दूसरा होता है उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास जिस स्थान को छोड़कर के चले जाना होता है, जिस स्थान से जाना होता है उसको उत्प्रवास बोलते हैं, और जिस स्थान पे पहुंचते हैं उसको अप्रवास बोलते हैं। ओके, अब ये प्रवास करने के भी बहुत सारे कारण हैं, प्रवास के ये तो टाइप थे बेटा, अब इसके कारण देखिए प्रवास लोग क्यों करते हैं। एक तो प्रतिकर्षण के कारण, एक अपकर्षण के कारण। अपकर्षण के कारण प्रवास होता है बेटा, और एक होता है प्रतिकर्षण। आकर्षण जो हमें आकर्षित करती है, जैसे हम शहरों में जाते हैं तो शहरों में जाने का कारण क्या होता है, उसमें सुविधाएं होना, जैसे चिकित्सा, शिक्षा और दूसरी दूसरी सुविधाएं हमें मिल जाती है तो हम शहरों की तरफ दौड़ लगाते हैं, यानी कि चले जाते हैं, तो वो शहर हमें अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए हम उसको क्या कहेंगे, अपकर्षण कारण कहेंगे। प्रतिकर्षण कारण क्या होता है, जिससे हम दुखी होकर के उसके प्रति हम प्रतिक्रिया करते हैं। इट मीन्स जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर चिकित्सा सुविधा का अभाव होने के कारण, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अभाव होने के कारण, दूसरी दूसरी सुविधाएं, बैंक की, कॉलेजेस की आदि आदि सुविधाओं की डेफिशिएंसी होने के कारण हम ग्रामीण क्षेत्र से चले जाते हैं, यानी कि उसके प्रति हमें उसके अगेंस्ट उसके विरोध में प्रतिक्रिया करते हैं, वो प्रतिकर्षण कारक होता है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जनसंख्या बढ़ने का, ये सारे कारक हो गए, प्रवास हो गया, जन्म दर हो गया और सारी चीजें होगी। अब उसके बाद में और भी बहुत सारे कारण है जिनसे जनसंख्या बढ़ती है, तो एक है बेटा प्रजननशीलता। प्रजननशीलता किसको कहेंगे, प्रजननशीलता का दूसरा नाम दे सकते हैं हमें जन्म दर। प्रजननशीलता का बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक तो जैव कारक है, दूसरा जननांगीय होते हैं, तीसरा सामाजिक होता है और चौथा आर्थिक होता है। सामाजिक जैसे हमारे पास लाइक लगाएंगे, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उसका समाज ही ऐसा है, एक एक पेरेंट्स 12 12 15 15 बच्चों को जन्म दे देता है, तो समाज के कारण या फिर हम ये कहेंगे कि उनका जन्म जन्म देने की प्रवृत्ति इसी प्रकार की है, इसलिए हम जनान के सामाजिक और आर्थिक कारण से जनसंख्या में वृद्धि करते हुए चले जाते हैं। इट्स ओके, अगला पॉइंट हमारे पास आता है बेटा, जिस स्थान से हम प्रवास करते हैं तो वो स्थान दो होते हैं, एक तो उद्गम होता है और दूसरा हमारे पास होता है बेटा गंतव्य, जिसको हमने उत्प्रवास और अप्रवास पढ़ा बताया था। उद्गम जहां से चलना होता है, जहां से जाना होता है, गंतव्य जहां से पहुंचना होता है। उद्गम स्थान पे जनसंख्या कम होती है और गंतव्य पे जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारे हमारे पास विश्व के जनसंख्या के बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि होती है। इसमें हमने जन्म दर, मृत्यु दर और साथ साथ हमने उसके बारे में प्रवास के बारे में
और किस एरिया में कितनी जनसंख्या है उसके बारे में स्टडी कर लें। अब हम पढ़ेंगे जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं? घनत्व के बारे में पढ़ लिया बेटा हमने, वृद्धि कैसे होती है, उसमें वृद्धि होने के लिए ऋणात्मक और घनात्मक धनात्मक दोनों ही कारक हमने कारण पढ़ लिए, दोनों ही टाइप से हमने पढ़ लिए। अब हम वितरण के बारे में पढ़ेंगे। तो वितरण एक पॉइंट पे हम प्रवास और देखते हैं बेटा। प्रवास और कितने टाइप के होते हैं? प्रवास कई टाइप के होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय और दूसरा है अंतरराज्यीय। ये अंत है बेटा, ये अंतरराज्यीय। तो अंतरराज्यीय और अंतरराज्यीय में इसमें फर्क क्या है? ये अंत एक ही राज्य में, जैसे गांव के हमारे गांव के एरिया के लोग महेंद्रगढ़ में या अटेली कहीना नारोल में जाके बस जाते हैं तो वो अंतरराज्यीय हो गए, यानी कि हमारे राज्य के, या रेवाड़ी में बस जाते हैं, गुड़गांव में बस जाते हैं, वो हमारे राज्य की डिस्ट्रिक्ट है जहां पे वो अपने क्षेत्र में बस जाते हैं। अंतरराज्यीय जो हमारे हरियाणा के लोग राजस्थान में चले जाते हैं, राजस्थान के लोग पंजाब में जाके बस जाते हैं, पंजाब के लोग यूपी में, यूपी के लोग एमपी में, आधे आधे एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाके बस जाते हैं तो उसको अंतरराज्यीय प्रवास बोलेंगे। एक ये अंतरदेशीय प्रवास। अंतरदेशीय प्रवास कैसे होता है? अंतरदेशीय प्रवास एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना, एक देश से दूसरे देशों में जाके बस जाना। जैसे हमारे भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका में, यूरोप में, यूरोप की जो दूसरी कंट्री है इट मीन्स ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में, इनमें जाके बस जाते हैं, चाइना में चले जाते हैं, रशिया में चले जाते हैं, तो ये यहाँ पे जाके बस जाते हैं तो वहां अंतरदेशीय प्रवास हो जाता है। इट्स ओके। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसमें आगे कि जनसंख्या का वितरण कैसे होता है, कहीं जनसंख्या कम है कहीं जनसंख्या ज्यादा है, वो देखें। जनसंख्या के वितरण के लिए जो कारक उत्तरदायी हैं वो देखें कौन कौन से। सबसे पहले आती है बेटा स्थलाकृति। आप लोग रहते हैं गांव में, आप लोग देखते हैं कि हमारे जिस एरिया में स्थल की आकृति उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन एरिया है, या फिर आप अपने इंडिया के मैप में देख सकते हैं, लाइक ये हमारे पास इंडिया है, इसमें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या रहती है वो इस एरिया में रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये एरिया है वो प्लेन एरिया है, समतल भूभाग है, इसकी स्थलाकृति अच्छी होने के कारण सबसे ज्यादा इसी एरिया में जनसंख्या रहती है। ये जो एरिया ऊपर का हमारे पास है इसके अंदर बहुत कम जनसंख्या रहती है। इसका कारण ये है कि ये जो एरिया है ये पर्वतीय क्षेत्र है, ऊबड़ खाबड़ है, मकान बनाना, यहाँ रेल लाइन बिछाना, सड़कें बनाना, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस एरिया के स्थल की आकृति बनावट जैसी होगी उस एरिया में उतनी ही जनसंख्या होगी। अब हमने सबसे पहले स्टडी की थी कि पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है और यूपी में वैसे हमारे वर्ल्ड की, सॉरी हमारे देश की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो आप देख सकते हैं कि इस एरिया में प्लेन एरिया होने के कारण यहाँ जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। ओके। दूसरा कारण हमारे पास है बेटा इसका जलवायु। जिस एरिया की जलवायु सम होगी, वैसे हमारे भारत की जो जलवायु है वो सम है, बट फिर भी इसके अंदर कुछ विषम जलवायु भी पाई जाती है। ये राजस्थान का जो एरिया है इसके अंदर गर्मी में बहुत जबरदस्त गर्मी होती है, 50 डिग्री सेल्सियस तापमान, 57 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है, तो इस एरिया में रहना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है, जनसंख्या का वितरण कम है। ये ऊपर का जो एरिया है यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, माइनस डिग्री सेल्सियस तापमान तक, 10-10 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है, जबकि 0 डिग्री पे तो बर्फ जमती है, और उससे भी कम तापमान पे जब जलवायु पहुंच जाती है
सर्दी के मौसम में, तो इस एरिया में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं या जनसंख्या कम है। तो जलवायु रिस्पॉन्सिबल है कि जिस एरिया की जलवायु सम होगी उस एरिया में जनसंख्या सही निवास करेगी। उससे आगे हमारे पास आता है बेटा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन इट मीन्स कैसे, यहां पे जनसंख्या सही है ना ज्यादा है ना कम है, तो इसका कारण ये है कि यहां प्राकृतिक संसाधन इट मीन्स यहां पे लोहा, अभ्रक, कोयला और ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि मेटालिक मिनरल्स है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे मिलते हैं, लोगों का इनकम का सोर्स हो जाता है और काम मिल जाता है, इसलिए लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं। जो जहाँ प्राकृतिक संसाधन जहाँ पे होंगे, प्रकृति में नेचुरल रूप से जो चीज हमें उपलब्ध कराई होगी, जो हमारे आर्थिक रूप से हमें मजबूत बनाने में काम करती है, उस एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं। इट्स ओके। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कृषि। जिस क्षेत्र में कृषि की जाती है, क्योंकि कृषि के लिए किसी भी आदमी को कोई भी शैक्षणिक योग्यता होनी जरूरी नहीं होती, जो आदमी दूसरे काम नहीं कर सकता वो कृषि के कार्य आराम से कर सकता है, इसलिए कृषि की सुविधा जहाँ होगी वहां पे हर प्रकार का आदमी रहने के लिए लाइक वहां पे जगह उसको मिल जाती है, इसलिए कृषि भी एक रिस्पॉन्सिबल कारक है कि जहाँ पे जनसंख्या का वितरण ज्यादा है। भारत में जो जनसंख्या का वितरण मैंने आपको बताया उसके लिए भी यही कारण उत्तरदायी है। इट्स ओके। अब नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट पे हम जनसंख्या का एक छोटा सा पॉइंट और छोटा हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। तो जनसंख्या वितरण के बारे में हमने स्टडी की, जनसंख्या वृद्धि कैसे होती है वो स्टडी की, और घनत्व क्या होता है, कैसे है, किस किस टाइप से हम जनसंख्या घनत्व का मेजरमेंट करते हैं वो सभी स्टडी की है। अब हमारे पास जनसंख्या का घनत्व एक पॉइंट और आ जाता है बेटा, वैसे तो हमने पहले इसमें देख लिया था, पढ़ लिया था, एक अंगणितीय घनत्व और दूसरा कायिक घनत्व। अंगणितीय घनत्व का हमें बताया था जो कुल जनसंख्या होती है उसका अनुपात होता है कुल क्षेत्र से, उस एरिया के उस देश के पास कितना एरिया है उसका अनुपात जनसंख्या और कुल क्षेत्र का अनुपात निकालते हैं वो अंकगणितीय, और जिसके अंदर कुल जनसंख्या का अनुपात उसके कृषि क्षेत्र से अनुपात निकालते हैं तो वो कायिक घनत्व होता है। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।